मेरा व्हील है उधर पे, राइट व्हील है, मेरे को बाहर जाना है। ये मेरा राइट व्हील है, व्हील को इधर पे बाइक था ऐसा, फिर से सीधा। ये मेरा लेफ्ट व्हील, यहाँ पे जो आपका ये वाला हिस्सा है यहाँ पे एक लगा दीजिए। ये साइकिल है, मेरा व्हील ऐसा है, ठीक है, गाड़ी ऐसा इधर जा रहा है, फिर ऐसा कर दिया, इधर हो गया व्हील। यहाँ पे मेरा व्हील कैसा है, सीधा है, इसके साथ मैच हो रहा है, यानी कि मेरा व्हील सीधा है, ठीक है, ऐसा कर रहा हूँ, व्हील ऐसा हो रहा है। ये मेरा मार्ट गार्ड है, ठीक है, व्हील के ऊपर जो कवर है ना वो वाला, इसके साथ अगर मैं इधर कर दूंगा व्हील मेरा बाहर बाहर की तरफ जा। इससे यही फायदा होगा, अगर आप लोग एकदम नए नए ड्राइव कर रहे हो, आप लोग को पता चल जाएगा मेरा व्हील सीधा जा रहा है। ये वाला आपका जोन है, रेड जोन है, इसके अंदर कोई गाड़ी, ठीक है, ऐसा कर दिया था व्हील को, इधर पे बाइक था ऐसा, फिर से सीधा। देखो ये मैंने इंडिकेटर दिया, मेरे को उधर जाना है, ठीक है, क्योंकि इधर पे बस आ रहे थे, उधर पे एक ऑटो, ठीक है, कैसे मैंने इसको साइड दिया। ये मेरा व्हील है, राइट व्हील लेफ्ट व्हील, ठीक है, देखो ऐसा व्हील ऐसा हो गया, निकल गया मैं, ठीक है, फिर से ऐसा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं एक टेप है, इसको इस्तेमाल करके हम लोग आज जजमेंट को लेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले सोचना है, हमारा जो स्टीयरिंग है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हमारा स्टीयरिंग का लेफ्ट वाला हिस्सा बाय वाला व्हील है, और राइट वाला हिस्सा राइट वाला व्हील है, ठीक है। अभी हम लोग जजमेंट लेंगे कैसे, देखो यहाँ से आप लोग को ऐसा सोचना है, आपके पास जो भी गाड़ी है, बोलेरो हो सकता है, स्विफ्ट डिजायर हो सकता है, वैगनर हो सकता है, टाटा सुमो हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, मगर आप लोगों को ऐसा जजमेंट लेना, यानी कि यहाँ से ऐसा एक लाइन को सोचना है, बाहर जाना है, ठीक है, देख लेना है कहाँ पे आपका बाय वाला व्हील है, उसके बाद उस व्हील के सामने जाना है, ठीक है, व्हील के सामने से एक लाइन अगर आएगा कहाँ पे आ रहा है स्टीयरिंग पे। अभी देखो आप लोगों को टेप को कैसे लगाना है, वहाँ पे मेरा व्हील है एग्जैक्टली इस कॉर्नर पे है, व्हील है उधर पे, ठीक है, मेरे को लगाना है इस तरह, थोड़ा सा सामने जाना है और एग्जैक्टली यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, यानी कि मेरा ये वाला व्हील है। आप लोगों को बाहर जाके देखना है, ऐसे ही आप लोगों को इसको मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को पता है एग्जैक्टली वहाँ पे मेरा व्हील है, इसको मैं इधर पे लगा दिया, हो गया। अभी क्या करना है, मेरा राइट व्हील, यहाँ पे मेरा राइट व्हील है, मेरे को पता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लगा दिया, इसको ऐसे बाहर की तरफ सोचना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ गए हमारा राइट व्हील कहाँ पे है, लेफ्ट व्हील कहाँ पे है। अभी क्या करना है, अभी स्टीयरिंग को हम लोग सीधा करेंगे, कैसे, यानी कि व्हील को सीधा करेंगे, इसको हम लोग एग्जैक्टली नहीं तो एकदम बाई तरफ, नहीं तो एकदम डाइने तरफ, इसको मैंने कर देता हूँ एकदम बाई तरफ, ठीक है, एक टर्न, ठीक है, दूसरा टर्न। अभी मेरा व्हील सीधा हो चुका है, अभी मेरे को पता है मेरा व्हील यहाँ पे है, यहाँ पे है। अभी क्या करना है देख लो दोस्तों, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो का, अभी एक टेप को लेना है फिर से, ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये वाला हिस्सा है यहाँ पे एक लगा दीजिए इसको, ठीक है, ख़त्म, ठीक है, हो गया, ये मेरा राइट व्हील है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को इसको लगा देना है, देखो यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। तो ये गया मेरा राइट व्हील, ये गया मेरा लेफ्ट व्हील। अभी आप लोग को पता चल जाएगा जब भी आप लोग इसको स्टीयर करेंगे कितना आपका जो व्हील है कितना टर्न ले रहा है, समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही आसान है, समझ लो, मैं अभी मेरा जो दो दो व्हील है एकदम सीधा है, ठीक है, अभी मैं इसको अगर टर्न लूँगा तो मेरा व्हील इधर जाएगा, इधर जाएगा, कितना जाएगा, एकदम आसान है, ये मेरा लेफ्ट व्हील है, ठीक है, ये अभी सीधा है, अभी इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ तो देखो ये इधर टर्न ले रहा है, ठीक है, इधर टर्न ले रहा है, ऐसा हो गया व्हील मेरा, इधर मैं इसको अगर थोड़ा सा करता हूँ, अगर ये इधर जा रहा है, ठीक है, ऐसा, तो इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ पे मेरा व्हील जा रहा है। ये गया आपका व्हील जजमेंट, अगर आप लोग इसको समझ जाएंगे तो व्हील जजमेंट लेने में आप लोगों को बहुत ही आसानी होगा। और दूसरी बात दोस्तों, हम लोग ड्राइवर के सीट पर बैठ के, यानी कि गाड़ियों को नज़दीक दाहिनी तरफ देखते हैं, मगर वो रहता है बाएं तरफ, अगर कोई गाड़ी हम लोग इधर पे देखते हैं वो गाड़ी एक्चुअली बाहर है, अगर कोई गाड़ी इधर पे है वो गाड़ी इधर पे है, ये फंडा माथे पे रखना, ठीक है। और इसी तरह टेप को लगा देना, कहाँ पे लगाना है मैं बाहर जाके आप लोगों के साथ दिखा देता हूँ एक बार। और उसके बाद जहाँ पे हम लोग देखते हैं गाड़ी का मिडिल जा रहा है, उधर से गाड़ी का मिडिल नहीं जाता है, उधर से मेरा लेफ्ट व्हील जाता है। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना यहाँ पे, ये वाला जा रहा है मेरा कहाँ पे, देखो देखो ये वाला आ रहा है मेरा सामने यहाँ पे राइट व्हील के पास, ठीक है, और ये वाला व्हील जो मेरा लेफ्ट व्हील है, ठीक है, इधर पे है, इधर से, ठीक है, और जाते जाते इधर आके ख़त्म हो रहा है, यानी कि लेफ्ट व्हील के सामने है, देखो ऐसा है। आप लोगों को यहाँ पे आना है, देखना है कहाँ पे आपका लेफ्ट व्हील है, उधर से ही ऐसा करके तेज़ा करके सोचना है, एंगल करके वहाँ पे जाके ख़त्म होगा, उधर पे मार्क कर देना है लेफ्ट व्हील का, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को देखना है राइट व्हील, राइट व्हील कहाँ पे है, इधर से एक सीधा लाइन सोचना है, उधर पे जाके ख़त्म होगा। अभी अंदर आने के बाद आप लोगों को देखना है कहाँ पे मेरा राइट व्हील लेफ्ट व्हील। अभी मैं गाड़ी को ड्राइव करूँगा, आप लोगों को बहुत ही गौर से देखना है कैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कहाँ से जो भी गाड़ी मेरे को क्रॉस कर रहा है कहाँ से गुजर रहा है। मेरा सीट बेल्ट को मैं पहन लेता हूँ, चलते हुए गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं पहनना, इधर पे खाली मैंने पहन लिया, देखो अभी आगे देखते रहो, ठीक है। देखो अभी मेरा, मेरे को पता है मेरा जो व्हील है कैसा है, पूरा सीधा जा रहा है, ठीक है। ये जो गाड़ी आ रहा है, इस गाड़ी को मेरे को क्रॉस करके जाने के लिए इसको, ये जो लाइन है ना इसे बाहर रखना है, ये लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखे थे। अभी इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, ये जो मैंने मार्किंग निशान कर दिया व्हील को सीधा करने के बाद,
इससे यही फायदा होगा, अगर आप लोग एकदम नए नए ड्राइव कर रहे हो आप लोगों को पता चल जाएगा मेरा व्हील सीधा जा रहा है, ऐसा किया व्हील ऐसा हो गया, ठीक है। आप लोगों को ऐसा सोचना है जैसा मैंने कि इसको ड्राइव ऐसा घुमा रहा हूँ व्हील भी मेरा वैसा हो रहा है, व्हील मेरा सीधा जा रहा है, थोड़ा सा ऐसा किया व्हील मेरा ऐसा हो गया, ठीक है। और हर एक गाड़ी, जो भी गाड़ी आपका सामने जा रहा है, ठीक है, वो गाड़ी का पीछे का व्हील, दो दो व्हील, ठीक है, इस मिडिल से दाहिने तरफ नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है दाहिने तरफ इस मिडिल से, उसको आप लोग ओवरटेक नहीं कर सकते, टक्कर लग जाएगा। देखो ये मिडिल से बाई तरफ जाएगा वो, तभी हम लोग उसको ओवरटेक करके जा सकते हैं। एकदम आसान हो जाएगा दोस्तों, इससे आप लोगों को इतना आसानी होगा ना मैं क्या ही बोलूं। देखो अभी देखते रहो हर एक गाड़ी जो भी मेरे सामने जा रहा है, और दाहिने से बाई से जो जिसको मैं ओवरटेक कर रहा हूं उसको देखो ठीक से। मेरे को हमेशा पता चल जाता है, अगर आप लोग ऐसे इसको इस्तेमाल करोगे ना, आप लोगों को भी पता चल जाएगा आपका व्हील के बारे में एकदम डिटेल्स, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, इसको करने से पहले ज़रूर व्हील को सीधा कर लेना है, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। अभी मेरा व्हील सीधा जा रहा है, ठीक है, जो भी गाड़ी आएगा मेरे को अगर उसको साइड देना, जैसा कि बाइक ऐसा करते गाड़ी ऐसा हो गया, ठीक है। देखो ऐसा व्हील, ऐसा व्हील, ऐसा ऐसा व्हील के साथ आपका जजमेंट हो रहा है। अभी देखो कहाँ पे मेरा व्हील जा रहा है, कहाँ पे मेरा गाड़ी क्रॉस कर रहा है दूसरे गाड़ी को। ये जो बाइक है अभी देखो मिडिल से इधर लग रहा है, मगर वो गाड़ी इधर पे नहीं है, वो गाड़ी और भी दूर है, मेरे को उसको थोड़ा नज़दीक में इसको इधर देख रहा हूँ, वो इधर पे दिख रहा है मेरे को, बाइक है ठीक है, मगर देखो कहाँ पे है, उधर पे है। यानी कि आप लोगों को सोचना है अगर छोटा गाड़ी है वो गाड़ी मिडिल से बाई तरफ दिखेगा, आप लोग सीधा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गाड़ी बहुत बड़ा है तो उसको ऐसा करके इधर पे लेके आइए, तभी उसको आप लोग ओवरटेक करके जा सकते हैं। एग्जैक्टली मिडिल से बाई तरफ रहेगा बड़ा गाड़ी तो ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो और एक गाड़ी सामने से आ रहा है, बोलेरो पिकअप, ठीक है, इसलिए मैंने हल्का सा ब्रेक किया क्योंकि ये वाला गाड़ी बड़ा है, मैं इसको ओवरटेक करके जा नहीं सकता, उधर पे बोलेरो पिकअप था, ठीक है। अभी देखो मेरा खिड़की खुला हुआ था, थोड़ा साउंड ज़्यादा आ रहा था। अभी देखो ये जो गाड़ी मेरे सामने जा रहा है, ये वाला आपका जोन है, रेड जोन है, इसके अंदर कोई गाड़ी नहीं रहेगा, ठीक है, इसके अंदर कोई गाड़ी नहीं रहेगा दोस्तों, सोच लेना है। ये इसके अंदर जो भी गाड़ी आएगा उसको मेरे को बाहर रखना है इससे, ठीक है। ये दो लाइन को आप लोग मार्क कर दो, बाहर जाओ और मार्क करो। ऐसा जजमेंट किसी ने आप लोगों को नहीं दिखाया होगा। देखो ऐसा व्हील जा रहा है, ऐसा करके ऐसा हो गया व्हील, ठीक है, फिर से सीधा हो गया। देखो अभी सामने जो रिक्शा जा रहा है, देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, मगर देखो कहाँ पे, इधर पे है। मैं उसको ओवरटेक करके चला गया, इसको हाथ भी नहीं दिया क्योंकि वो तो मेरा इधर पे बाहर था, ठीक है। ऐसा देखो ये वाला व्हील, ये मेरा व्हील है, राइट व्हील लेफ्ट व्हील, ठीक है। देखो ऐसा व्हील ऐसा हो गया, निकल गया मैं, ठीक है, फिर से ऐसा हो गया, निकल गया। ऐसा ड्राइविंग मत किया करो, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा पकड़ के करो। तो यही है दोस्तों, ठीक है। देखो मैं एकदम धीरे धीरे जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। मैं बहुत भीड़ रास्ते के अंदर ड्राइविंग मेरा है, आप लोग देख सकते हैं, मगर इस वीडियो के अंदर भीड़ में जाऊँगा आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। देखो ऐसा इस लाइन से गाड़ी बाहर है ना, बाहर है, ये मेरा व्हील है, इधर है, ठीक है। ऐसा किया तो व्हील ऐसा हो गया, ऐसा किया तो व्हील ऐसा हो गया, अभी सीधा है व्हील मेरा, ठीक है। ऐसा देखो व्हील पूरा सीधा है, निकल गया मैं। ये वाला मार्किंग कर दो व्हील को सीधा करने के बाद। अभी देखो इसके साथ ना है ना, ये मैच कर रहा है ना, ये वाला मैच कर रहा है। अभी देखो देखो ऐसा किया व्हील, थोड़ा सा बाय कर लिया, ठीक है। अभी इसको मैं ओवरटेक करूँगा, देखो कहाँ पर ऐसा जा रहा हूँ, यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, देखो मैंने टच भी नहीं किया, निकल गया गाड़ी। अभी थोड़ा सा व्हील ऐसा करना, इधर पे गाड़ी आ रहा है, ठीक है। ऐसा ये वाला एकदम आसान सा तकनीक दोस्तों, सामने एक स्कॉर्पियो आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे मेरा व्हील सीधा है, थोड़ा सा बाय लिया मैंने, गाड़ी ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसा ऐसा फिर से जैसा रास्ता जा रहा है उसके साथ गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को पता है व्हील कैसे जा रहा है, ऐसा है, ऐसा है, सीधा है, सब कुछ। देखो ये चार पॉइंट को आप लोग मार्क कर दो यार, मैं बोल रहा हूँ भाई, इससे आसान जजमेंट आप लोगों को जिंदगी में इतना आसान नहीं लगेगा दोस्तों। देखो मेरा व्हील सीधा है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऐसा किया, देखो व्हील ऐसा हो गया, फिर से सीधा, ठीक है। आप लोग ऐसे समझो, ये जो मेरा लाइन है ना, ये है मेरा लेफ्ट वाला जो व्हील है उसका ऊपर जो कवर रहता है मडगार्ड, ठीक है, ये वाला है मेरा राइट व्हील का मडगार्ड और ये वाला मेरा व्हील है, ठीक है, ये मेरा गाड़ी का व्हील है। देखो ऐसा किया, गाड़ी ऐसा हो गया, अभी मेरा व्हील ऐसा जा रहा है, सीधा कर दिया, ब्रेक कर दिया, यहाँ पे दो नंबर गियर न्यूट्रल ब्रेक कर दिया, पूरा गाड़ी रुक गया, ठीक है। अभी फिर से एक नंबर गियर डाला, क्लच रिलीज कर रहा हूँ, गाड़ी आगे जा रहा है, ठीक है। ऐसा कर दिया था व्हील को, इधर पे बाइक था, ऐसा फिर से सीधा, सीधा से एंगल कर दिया सीधा, ठीक है, हल्का डाइने किया, ठीक है, पूरा सीधा है, नहीं है अभी व्हील, अभी ऐसा है व्हील, ठीक है। देखो ये पे मैंने इंडिकेटर दिया, मेरे को उधर जाना है, ठीक है, क्योंकि इधर पे बास आ रहे थे, उधर पे एक ऑटो था, ठीक है।
देखो कैसे मैंने इसको साइड दिया, ठीक है, बिल्कुल स्पेस कम था बहुत, ठीक है, ऐसा मैंने निकल गया, ठीक है, देखो ऐसा, ऐसे हम लोग सिखाते हैं ड्राइविंग स्कूल में, ठीक है, मगर इंडिया में, अक्खा इंडिया में कोई ऐसा सिखाता नहीं है जो इतना आसान आप लोगों को हो जाएगा जजमेंट, ठीक है। लोग चाहता है जानबूझ के ड्राइविंग स्कूल में लोगों को टाइम लगे, ज़्यादा टाइम लगे, ताकि हर महीने का पैसा वो लोग ले सके, ये सब नहीं सिखाता है कोई भाई। देखो ये साइकिल है, मेरा व्हील ऐसा है, ठीक है, गाड़ी ऐसा इधर जा रहा है, फिर ऐसा कर दिया, इधर हो गया व्हील, ये मेरा व्हील है, मैंने बोला, ठीक है, देखो ऐसा 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 निकल गया क्रॉस करके, ऐसा अभी मेरा व्हील ऐसा है, ठीक है, ऐसा जा रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरा व्हील ये वाला व्हील है, ठीक है, इसको ओवरटेक करूँगा मैं, इसको मिडिल से बाई तरफ लेके आऊँगा, ऐसा आ गया, ठीक है, ऐसा चला गया, कहाँ पे मेरा व्हील जा रहा है उसको गौर करके देखो, ठीक है, सामने जो रिक्शा जा रहा है उसको देखो, दाहिने तरफ से एक बैलन आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे देखो, इस लाइन से बाहर चला गया वो, देखो ऐसा किया, ऐसा हो गया, अभी मेरा व्हील ना ऐसा है, ठीक है, देखो ऐसा जा रहा है गाड़ी, ठीक है, इसको सीधा कर दिया, गाड़ी फिर से सीधा हो गया, ऐसा ध्यान से देखो, अभी ब्रेक किया हल्का सा, ऐसा जा रहा हूँ, ये बाइक कहाँ पे है, इधर पे है, मगर इसका रियल पोजीशन कहाँ पे देखो, इधर पे है, मगर मैं इसको इधर पे देख रहा हूँ, इसको ओवरटेक करने के लिए मेरा व्हील ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा किया, उधर पे एक रिक्शा है, थोड़ा सा ऐसा किया, इसको देखो ऐसा ऐसा कर रहा है, गाड़ी चला गया उधर, ठीक है, बाइक से बहुत ही बच के दोस्तों, क्योंकि वो लोग बहुत डायने बाई करते हैं बहुत। मेरा व्हील ये वाला व्हील बाई वाला व्हील कहाँ पे, सीधा जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा किया, इस लाइन से बाहर वो वाला जाएगा, चला गया बाहर, ठीक है, फिर से थोड़ा सा ऐसा कर दिया, यानी कि व्हील ऐसा हुआ, ठीक है, देखो ऐसा किया, व्हील इधर पे आ गया एकदम रास्ते के एंड के साथ, मेरा जो मिडिल जा रहा है, मगर मिडिल नहीं जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे मेरा गाड़ी का लेफ्ट व्हील जा रहा है, याद रखना, लेफ्ट व्हील कैसा है दोस्तों, अभी पूरा सीधा है, ठीक है, ये साइकिल है, इसके साथ मैं टक्कर मार दूंगा अगर मैं सीधा जाऊँगा तो, थोड़ा सा ऐसा व्हील ऐसा हो गया, फिर से सीधा, ये तकनीक अप्लाई करो दोस्तों, ठीक है, बहुत आसान होगा दोस्तों, बहुत बहुत आसान होगा, ऐसा देखो, मैं कई और वीडियो बनाऊंगा इसको लेके, ठीक है, आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा, हर एक एग्जांपल को ठीक से देखे, देखो यहाँ पे देखो ऐसा, ठीक है, सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, ठीक है, हल्का सा मैंने ब्रेक किया, ओवरटेक नहीं करना, यहाँ पे ऑप्शन था ओवरटेक करने का, मगर मैंने किया नहीं, सामने देखते रहो, सामने भीड़ वगैरह थोड़ा बहुत आएगा, आप लोगों को आसानी होगा समझने में, देखो पूरा सीधा है मेरा व्हील, पूरा सीधा, क्योंकि इसके साथ मैच कर रहा है ना व्हील, मेरा पूरा सीधा है, ठीक है, ब्रेक कर दिया हल्का करके, ठीक है, फिफ्थ गियर पे था गाड़ी, फिफ्थ से मेरे को डाल देना है तीन नंबर गियर, ब्रेक कर दिया, अभी तीन नंबर गियर पे है गाड़ी, चल रहा है ऐसा करके, मैंने दो नंबर नहीं डाला क्योंकि सामने रास्ता खाली मिल चुका था, इसीलिए मेरे को पता था सामने देख के गियर चेंज करना है, मेरा गियर क्लच का वीडियो ज़रूर देख लेना दोस्तों, अलग लेवल का है, ठीक है, नहीं मिलेगा दोस्तों यूट्यूब में, अक्खा यूट्यूब में नहीं मिलेगा, मेरा गारंटी है, देखो तीन नंबर गियर, ठीक है, ऐसा घुमा दिया गाड़ी को, चक्का ऐसा हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला जो गाड़ी है मेरा मिडिल से बाई तरफ है, ठीक है, इसको मेरे को ओवरटेक करना है, अभी कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दाहिने तरफ से गाड़ी आ रहा है, ठीक है, ऐसा करके ऐसा हो गया व्हील में, ऐसा हो गया, ठीक है, फिर से व्हील को सीधा, व्हील को हमेशा सीधा रखना है, आप लोग देख सकते हैं मेरा व्हील हमेशा सीधा है, सिर्फ कुछ ही टाइम पे जब मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ किसी को, तभी मैं इसको घुमा रहा हूँ, नहीं तो मेरा व्हील सीधा ही जा रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो दो नंबर गियर पे है, हल्का करके, ये मेरे को खींच रहा था भाई, क्या पागल भाई, यहाँ पे देखो सामने दो नंबर गियर पे मेरा गाड़ी है, सॉरी तीन नंबर पे है, ठीक है, इसको दो नंबर देना है, क्लच को फुल प्रेस दबा के रखना है, बम्पर क्रॉस कर रहा हूँ मैं, दो दो व्हील निकल गया, हल्का करके क्लच को छोड़ दिया, यहाँ पे तीन नंबर देना चाहिए था, मगर सामने और एक बम्पर है, ठीक है, बम्पर को हमेशा दो नंबर गियर पे क्रॉस कीजिए दोस्तों, ठीक है, क्लच को फुल प्रेस, दो दो व्हील निकल गया, हल्का सा एक्सेलरेशन दिया मैंने, क्लच को फिर से फुल दबा दिया, तीन नंबर गियर ऐसा, ठीक है, तो ऐसा आप लोग जजमेंट लेना है, चार नंबर गियर, रास्ता पूरा खाली हो चुका है, ठीक है, ऐसे जा रहा हूँ, देखो सामने देखो कहाँ पे है, ये जो जोन है इसके अंदर वो गाड़ी है, यानी कि वो भी मिडिल से भी इधर है, उसको ओवरटेक करने के लिए उसको कहाँ पे लेके आना है, मिडिल से इधर, व्हील मेरा ऐसा है, इसको मैंने ऐसा किया उधर चला गया, सिंपल सी बात है, ठीक है, मेरा व्हील कैसा है, सीधा है, इसके साथ मैच हो रहा है, यानी कि मेरा व्हील सीधा है, ठीक है, ऐसा कर रहा हूँ व्हील ऐसा हो रहा है, ये मेरा मार्ट गार्ड है, ठीक है, व्हील के ऊपर जो कवर है ना वो वाला, ये फिक्स्ड है, ये नहीं,
ये इधर उधर नहीं करेगा, सिर्फ व्हील इधर उधर करेगा। आप लोगों को पता होगा जो हमारा गाड़ी का जो मडगार्ड होता है, यानी कि मडगार्ड तो हिलता नहीं है ना, मडगार्ड तो फिक्स रहता है, मगर उसके साथ व्हील इधर उधर करता है। तो यही वाला मैंने बोला, ये आपका बाई तरफ का मडगार्ड है, ये वाला दाएं तरफ का मडगार्ड है, ये मेरा व्हील है, मडगार्ड के अंदर व्हील मेरा घूम रहा है, ठीक है। ये व्हील घूमते घूमते ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फिर से सीधा हो गया, ठीक है। ऐसा बम्पर फिर से देखो, अभी 5 नंबर गियर पे ब्रेक कर दिया, पहले सबसे पहले 2 नंबर गियर, क्लच को दबा के रखना है, दबा के रखना है, ठीक है। क्रॉस कर गया, हल्का सा एक्सेलरेशन। देखो यार, क्लच गियर का वीडियो ना उतना कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान है। मेरा एक वीडियो देख लो क्लच का, आप लोगों को ज़िंदगी में ना क्लच का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। वो सब बम्पर में क्या करना है, पैनिक सिचुएशन में क्या करना है, वो सब फालतू का वीडियो है भाई, मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं उसके अंदर। यानी कि कुछ भी वीडियोस उतना नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही वीडियो देख लो क्लच गियर कंट्रोल का, आप लोगों को सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ अलग नहीं है भाई, बम्पर के लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और, वैसा कुछ नहीं है। क्लच अगर इस्तेमाल करना है, मेरा एक वीडियो देख लो, एक वीडियो, मेरा गारंटी है भाई, आप लोगों को ज़िंदगी में क्लच का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अभी देखो यहाँ पे देखो, 5 नंबर 3 नंबर पे है, 4 नंबर डाल दिया, गाड़ी को खींच रहा हूँ मैं, इधर पे जो भी गाड़ी मेरे सामने जा रहा है कहाँ पे है ध्यान से देखो। ये देखो, ये जो स्कूटी जा रहा है, लड़की, लड़की नहीं यार, लड़का है, बाई तरफ जा रहा है, ठीक है। ओ भाई देखो सामने देखो, अभी थोड़ा सा खींचता हूँ गाड़ी को, ओके। यहाँ पे अचानक लोग बहुत रास्ता क्रॉस करता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखा व्हील ऐसा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे देखो व्हील हल्का सा टर्न, हल्का सा डायने करके बाय हो गया, ठीक है। अभी मेरा व्हील सीधा है, इसके साथ मिल रहा है व्हील, व्हील सीधा है, ठीक है। व्हील को घुमाना है, इसके साथ अगर मैं इधर कर दूंगा, व्हील मेरा बाहर बाहर की तरफ जा रहा है, डायने तरफ, ठीक है। डायने से फिर से सीधा, फिर से बाय तरफ, व्हील सीधा, ठीक है। ये मेरा व्हील है, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को ड्राइविंग करना है। अगर मेरा समझाने का तकनीक आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यार क्यों शेयर नहीं कर रहे हो भाई, शेयर करो भाई, थोड़ा सा मदद करो मेरे को। देखो ऐसा, ठीक है, ये गाड़ी इधर पे है, इन दोनों जोन के बीच ऐसा किया, व्हील ऐसा हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर से मेरा व्हील सीधा जा रहा है, सीधा नहीं करना है मेरे को, बाई तरफ जाना है, व्हील को फिर से ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। इतना आसान है जजमेंट भाई, इतना आसान सच में। देखो ऐसा जा रहा है गाड़ी, मैंने इसको ऐसा घुमा दिया, ठीक है, चला गया बाहर। देखो क्या है जजमेंट में भाई, इसको प्रैक्टिस करो ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर आप लोग कोई भी बस ड्राइव कर रहे हो ना, ये वाला तकनीक आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। अगर बड़े बड़े बस ड्राइवर्स इसको फॉलो करेगा, जो नए नए बस को चला रहा है, आप लोगों को मैं लिख के देता हूँ, कभी गलती नहीं होगा भाई, कभी गलती नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखो, कहाँ पे है गाड़ी, यहाँ पे है मगर यहाँ पे नहीं है, ये गाड़ी इधर पे है, देखो मिडिल पे है, इधर पे देख रहा हूँ, मगर वो गाड़ी अभी इधर धीरे धीरे जा रहा है। इसको मैंने व्हील को ऐसा किया, ऐसा हो गया, फिर से ऐसा, व्हील व्हील जा रहा है, व्हील ऐसा हो गया, रास्ता टर्न है, ठीक है, ऐसा फिर से सीधा, ऐसा हो गया, व्हील हॉर्न दिया, उधर से गाड़ी आ रहा है, ठीक है, सब कुछ नज़र में रखना है। फिर से व्हील ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा सीधा, ऐसा, ठीक है। सामने एक बम्पर आ रहा है, मेरे को दिखाई दिया, हल्का करके ब्रेक कर दिया मैंने, ब्रेक 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 ब्रेक, 2 नंबर गियर, ठीक है। क्लच को फुल मैंने दबा के रखा, ओके, दो दो व्हील निकल गया, क्लच को छोड़ दिया, हल्का सा एक्सेलरेशन किया, ठीक है, क्लच को फुल दबा दिया, 3 नंबर गियर, चल गया गाड़ी, ठीक है, ऐसा। तो ऐसा आप लोगों को ड्राइविंग करना है दोस्तों। अगर कोई शक तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ दोस्तों, ठीक है। जो 10 लाख 20 लाख का जो भी व्यूज़ है मेरे चैनल में, उसमें हर एक कमेंट में मैं रिप्लाई करता हूँ, हर एक कमेंट। हो सकता है एक दो कमेंट मिस हो सकता है, मगर मैं रिप्लाई करता हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं अपना तरफ से पूरा कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, बहुत ही सेफ ड्राइव करें और एकदम शांति से ड्राइव करें। जय हिंद दोस्तों।